গম্ভীরের গয়ে গম্ভীরের গয়ে గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ భక్తాయ నమః శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ప్రియాద్వైత గదాధర శివసాది గౌరవభక్తవృంద హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి రామ హరి రామ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvatam Mayur Padma Vidya Krishna Padma Shodhana Shri 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 Madhava Krishna Shri Nandu Sahana Hare Charan Kamal Anand Guru Sahana తత్పశ్చాత్ మృతిపాదిమ నిధనిలాభృష్ణుపాదశ్రీ శ్రీ శ్రీనివాసరాయణుపాదృందోత్రమండల పరిశ్రమా కర్షగతి అభిజీ స్థాన పర ఉపస్థిత ఈ స్థాన కా నా శ్రీ శుద్ధవతి जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला समाप्ति के बाद में जब श्री क्षेत्र मंडल में आए हरिदास ठाकुर भी उनके साथ आए और महाप्रभु गंभीरानंद के हरिदास ठाकुर चुके जगनपुर में जन्म हुए इसलिए वो मेन रोड में वहीं पर बैठ गए अंदर में प्रवेश नहीं किया। प्रभु मेरे को आप ज़्यादा दूर में मत रखा करो, आपका चरण को पास में आ रखो। तो महाप्रभु उनको यहीं पर स्थान दिया और यहीं पर हरिदास ठाकुर बैठ करके तीन तीन लाख यहीं पर हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे। इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष है उसका नाम सिद्ध बकुल है। पहले ये बकुल वृक्ष था, ये बकुल वृक्ष को नीचे बैठ करके वो भजन साधन कर सके, तो इसका नाम सिद्ध बकुल नाम क्यों पड़ा मुझे कारण बताए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर दर्शन करने जाते थे जगन्नाथ का धातु ब्रश कर और जो ब्रश है कांतूर कोई विशेष व्यक्ति को देते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर विशेष व्यक्ति को नहीं करते। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दानपुन किया और महाप्रभु श्री दानपुन को ला करके यहीं पर गाड़ दिया तो उसने विशाल सुंदर ये बकुल वृक्ष हुआ है। एक तो ये दानपुन से ये वृक्ष हुआ, ये दानपुन से ये वृक्ष होता है, ये चैतन्य महाप्रभु का ही ये प्रभाव है जो दानपुन से ही ये वृक्ष हो गया। इसी वृक्षों के नीचे हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे। इसको पहले श्री जगन्नाथ दास भवानी महाराज और एक हुए जो कि उन्होंने यहाँ पर रह कर के भी उन्होंने साधन भजन किया। लेकिन एक समय क्या हुआ, जगन्नाथ जी रथ यात्रा होते समय जगन्नाथ जी का एक पहिया टूट गया, टूट गए तो राजा ने आदेश दिया जहाँ पर वृक्ष मिले उसी वृक्ष को ले आ। तब जो राज जो सरकार के लोग थे और ढूंढ रहे थे कोई बढ़िया सुंदर वृक्ष हो, देखते देखते यही बकुल वृक्ष मिला, विशाल बकुल वृक्ष बड़ा सुंदर, उन्होंने उसको चिन्ह लगा दिया ये वृक्ष जगन्नाथ जी रथ की पहिया बने। अभी श्री जो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे उन्होंने प्रार्थना किया है ठाकुर जी ये वृक्ष तो जगन्नाथ का दानपुन पर हरिदास ठाकुर ने अपने हाथों से ये वृक्ष लगाया और इसको नीचे हरिदास ठाकुर भी भजन किया, इसलिए ये सिद्ध वृक्ष है। अभी ये वृक्ष को अभी जगन्नाथ जी की पहिया बनाने के लिए ले जाएंगे। उन्होंने जगन्नाथ जी को महाप्रभु को प्रार्थना किया। जब दूसरे दिन लोग काटने के लिए आए ना, जब उन्होंने काटने के लिए आए देखा वो जो वृक्ष है वो एकदम खोखला है, उसका अंदर में सार शून्य है, कुछ है ही नहीं। इसलिए ये वृक्ष का नाम बढ़ गया सिद्धा बकुल। और आप देखो इस वृक्ष में धागा बंधा हुआ सब चीज़ लटका हुआ, लेकिन क्यों तो जो जो चीज़ मांगता है कभी वृक्ष उसको वही चीज़ दे देता है। इसलिए संसार में जिसको बेटा नहीं बेटी नहीं
इंसान में कोई दुख कष्ट अभाव अनटन जो जितने से भागा हो, लेकिन हम लोग फिर एक भी मांगेंगे हम भगवान के चरण में हमें भक्ति हो, प्रेम हो और ठाकुर जी को हमें सेवा मिले, हमारे अंदर में यही कामना है। इसलिए हरिदास ठाकुर यहीं पर रहते हुए महाप्रभु रोज यहाँ पर आते थे, पहले जगन्नाथ जी को दर्शन फिर वहाँ से प्रसाद लेकर के यहीं पर आते थे। अरे यहीं से पहले इतना धन रूपन नहीं था, हाँ महाप्रभु का समय पर डायरेक्ट यहीं से जगन्नाथ का जो नीला चक्र है जो पतंग है झंडा यहीं से दर्शन होता था, हरिदास ठाकुर यहीं से प्रणाम करते थे। वो मंदिर में नहीं जाते थे क्यों, और मुसलमान कुल में जन्म हुए, लेकिन तीन लाख हरि नाम करते थे। इसलिए जो सचल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ जगन्नाथ, जो सचल जगन्नाथ महाप्रभु ये रोज आते थे और इनको प्रसाद देते थे। एक दिन हरिदास ठाकुर बिस्तरा में पड़े हुए और धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे नाम कर रहे। इतने में महाप्रभु आए प्रसाद लें, बोले प्रभु आज हम प्रसाद ले नहीं सकते। बोले क्यों, बोले जो माला संख्या में पूरी नहीं, कितना माला पूरी नहीं हुई, 3 लाख माला पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं आज प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं हम लोगों को भी कुछ नियम रखनी चाहिए, कुछ माला करके ही कुछ प्रसाद पाए, जैसे कुछ माला नहीं किया है नाम नहीं किया और सुबह सुबह खाने नहीं, माला करने से पहले कुछ प्रसाद पाने से पहले कुछ हरिनाम करके भोजन करनी चाहिए, बगैर हरिनाम से भोजन नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसको राक्षस भोजन कहते हैं। इसलिए इन्होंने बोले प्रभु आज माला आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, जगन्नाथ जी का प्रसाद कौन दे रहे, भगवान स्वयं दे रहे, तब भी उन्होंने भी प्रसाद नहीं दिया, क्यों शिक्षा देते हैं हम तो फिर कहते हैं ना पहले प्रसाद सम्मान करो, प्रसाद आ गए ना अरे बाद में माला भला हुआ, नहीं पहले भजन उसके बाद में फिर भोजन, ऐसे नहीं पहले भोजन कर लिया फिर भजन करें, पहले भजन उसके बाद में फिर भोजन। तब महाप्रभु बोले तुम तो वृद्ध हो गए हो, पहले तो 3 लाख हरे नाम किया थोड़ा कम किया करो, फिर प्रभु शरीर हमारा सुस्त है असुस्थ बुद्धि है, यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। कभी कभी वो कह रहे हैं बोले प्रभु मेरा शरीर तो सुस्त है लेकिन जो मन है ना ये असुस्थ है, ये मन बड़ा दुष्ट मन है, शरीर तो मेरा बढ़िया है, इसका मतलब क्या है हमारे शरीर तो बढ़िया रहता है लेकिन जो दुष्ट मन है ना कोई दूसरे काम बोलो वो पहले तैयार रहता है, लेकिन जब उसकी भजन की बात बताओ ना वो बहुत सारे सारे बहाने बनाता है, ये हो गया वो हो गया ये हो गया हैं, इसलिए असुस्थ बुद्धिमान। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, अपना मन को 100 बार पीटो, क्यों ये मन हर समय हमें गलत रास्ता पर ले जाने के लिए कोशिश करता है, भजन का रास्ता पर जब आ जा ये बहाना बना देता है। इतने में माँ हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरे को ऐसे लगता है मेरे से पहले आप नहीं चले जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप रहते रहते आपका मुखद कमल को दर्शन करते करते आपका चरणों को हृदय में धारण करते हुए आपका ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते मैं अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले हरिदास मेरा जो कुछ लीला तुम पर लेकर के ही रहते हैं, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा लीला कैसे होगा, हरिदास ठाकुर कितना दैन्य होगा अंदर का हैं, कहते प्रभु ये पृथ्वी से अगर एक चिट्ठी चले जाए ये पृथ्वी का कोई हानि होता है कभी, इसलिए आपका लीला में तो अनंत करोड़ आपका लीला में मदद करने वाले मैं तो चिट्ठी ऐसे हूँ, इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे मत किया करो। तो महाप्रभु अपना परिक्रम लेकर के आए, यहीं पर कीर्तन किया, हरिदास ठाकुर महाप्रभु का दर्शन करते करते श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते करते अंतिम हमने श्वास को त्याग दिया और महाप्रभु का अपना गोद में इन्हीं पर उठा गए हैं, भगवान इसको गोद में उठाए क्या शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में कोई भगवान का नाम को ही जीवन का सार बना दे भगवान उसको क्या करेंगे अपना गोद में ठाकुर जी लेकर जाते और समुद्र में उसको स्नान कराते हैं, कहते समुद्र पहले केवल जो तीर्थ था इनकी स्पर्श से तो महातीर्थ हो गया, फिर महाप्रभु अपना हाथों से उनको समाधि देते हैं, फिर जगन्नाथ मंदिर में जाकर के महाप्रभु खुद भिक्षा करते हैं चैतन्य महाप्रभु और भक्तों को बैठा करके उन्हें सबको प्रसाद।
प्रसाद खिलाते और सबको आशीर्वाद देते हैं कि उत्सव में जिन लोगों ने जिनको कोई आया केवल उसे रेती दिया, अगर लास्ट में कोई अगर प्रसाद भी आया उसको आशीर्वाद में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, इसलिए महाप्रभु ये आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर यहीं पर, श्री रूप गोस्वामी यहीं पर रहते थे, यहीं पर ललित माधव विदग्ध माधव नाटकों को लिखे और यहीं पर ही जब चैतन्य महाप्रभु आए बोले क्या लिख रहे हो, बोले नाटक लिख रहे हो, जब उन्होंने बोले मंगलाचरण श्लोक सुने जो अनर्पित चरिचिरा करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति से, इसी श्लोक में बताया महाप्रभु कौन इसलिए जगत में आए और क्यों उनको सबसे बड़े बदान में कहते ही हैं, जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन में एक बार दिए थे यहाँ पर महाप्रभु आकर के वो प्रेम को कौन दिए, बोले श्री सचिनंदन गौर उन्होंने दिया है। यहीं पर जब उन्होंने सुना क्या सुना कि हरिदास ठाकुर जो नाम की महिमा जो बताए थे तुंडे तांडव के मुझे तुंडा बोले लगते करना प्रणव कड़बनी हृदय करना देव रसिया चेत प्रांगण संगिनी रचय थे हर वेद्रिया नाम की न जान जनिता कुन अद्भुत कृष्ण से वर्ण थे, तो कृष्ण जो दो नाम हैं भगवान उसमें कितना रस भर दिया, जो जीवा और उदय होता है जीवा ऐसे तिरपने लगती है कि तो अद्भुत अद्भुत जीवा की मैंने दे दिया, जब कान प्रवेश करता है कि तो करोड़ों करोड़ों कान हमें क्यों नहीं दिया, जब हृदय में प्रवेश करता है जैसे रस की धारा जैसे होते हैं। इसलिए इसी श्लोक को सुन करके सारे भक्त लोग हरिदास ठाकुर का नाम सुनते महाप्रभु बोले बहुत श्लोक नाम की महिमा करती है लेकिन इतना सुंदर महिमा है नहीं, यहाँ पर महाप्रभु सब लीला किए और अत्याचार के समय में महाप्रभु एक श्लोक पढ़ रहे थे जिस श्लोक को कोई नहीं समझ रहे थे लेकिन जिस श्लोक से रूप गोस्वामी समझ करके ताल कत्ते में लिख करके उन्होंने अपना अपना घर के ऊपर में उन्होंने गूंज दिया था, उन्होंने और वहाँ पर रख दिया था, इसको महाप्रभु देख करके जो सुने उस लोगों का प्रिय अयम सरी कुरुक्षेत्र में लिखा, जब उन्होंने ये श्लोक को महाप्रभु सुना इतने प्रसन्न कि मेरे हृदय की बात फिर भी समझा कि प्रभु जरूर आप उसका हृदय में संचार किए होंगे तभी आपका हृदय को समझे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने बहुत बहुत सारे रूप सनातन रघुनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सबके सब यहाँ पर सबका लीला स्थली यहाँ पर, इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए अत्यंत अत्यंत ये महत्वपूर्ण स्थान, इसलिए हम श्री हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर आप जैसे नाम में आपकी रुचि थी हम शब्दों पर भी कृपा करो थोड़ी सी नाम में हमारी रुचि हो जाए, पंचाकल दुर्भ्य कृपा सिंध कथिता नाम भावन श्री हरिदास ठाकुर की जय, सचिनारायण गौर हरि की जय, प्रभु की जय, सपरिवर गौर हरि की जय, ताई गौर না আমার এই মঠ আছে এখানে চক্রতীর্থ सुंदर करेगा
समस्या नहीं है। नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े नहीं, पूरा ये।